नमस्कार दोस्तों, पिछली बार हमने सीखा था क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम था वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा। और उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज की इस वीडियो हम उसी के आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कुछ छात्रों ने पूछा है, तो उसमें जो है मैं एक क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि एक वीडियो में उन्होंने कुछ पूछा था कि हमने जो है कि पॉजिटिव लिया है हाइट को, तो मैं वो क्लियर कर दूं कि जब हम वस्तु को, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा हूं मैं, जब हम वस्तु को नीचे की तरफ गिराते हैं तो मेरा उस वीडियो में जो ऑब्जेक्ट को लेना था, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को मुझे नीचे लेना था, मैंने जो है कि ये बात बोली नहीं उसमें, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट को हम नीचे की तरफ लेंगे तभी जी पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और अगर हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठा रहे हैं तो इस पर जो बल लगेगा, जो कार्य होगा, वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है, इसे ऐसे समझिए कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हैं, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम नीचे गिराते हैं तो जो कार्य होगा, जो स्थितिज ऊर्जा होगी, वो होगी एम जी एच प्लस में। और अगर हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठा के ले जाएं ऐसे, ठीक है, वस्तु को, तो उसका जो कार्य होगा वो होगा एम माइनस में जी और एच, तो उसे हम लिखेंगे माइनस एम जी एच। तो आशा करता हूँ कि जिस किसी छात्र ने भी ये क्वेश्चन पूछा था उसको ये समझ में आ गया होगा। जब ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ले जाएंगे यानी पृथ्वी की तरफ, तो पॉजिटिव होगा स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इसे हम पीई बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो वो होगी एम जी एच। और जब पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, जब नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर कोई हम ऑब्जेक्ट ले जाएंगे तो माइनस एम जी एच। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब पढ़ लेते हैं आज की क्लास का अगला टॉपिक। तो इसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस प्रकार से इसका जो नाम है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है, सॉरी ऊपर की तरफ चला गया, आपको दिखा नहीं, मुझे इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, ओके। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसे हम हिंदी में यही कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ये क्या है, तो ये आप समझ लें, ऊर्जा विभिन्न रूपों में होती है, जब एक ऊर्जा दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, या फिर यूं समझें कि जो ऊर्जा है वो कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, तो फिर होता क्या है, ठीक है, हम लिखते हैं एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉयड, देन व्हाट हैपन, तो एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, देन इट चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहने का मीन्स ये है कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है। जैसे अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चेंज होती है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होती है पोटेंशियल एनर्जी में, और ठीक ऐसे ये भी होता है कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा चेंज होती है गतिज ऊर्जा में। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा है वो कभी समाप्त नहीं होती, नष्ट नहीं होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। तो इसको हम कहते हैं क्या, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसकी परिभाषा के लिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, अगर इसे आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऊर्जा का ना तो सृजन होता है, सृजन का मतलब होता है, ऊर्जा का ना तो सृजन होता है, सृजन का मतलब होता है उत्पन्न होना, और ना ही ऊर्जा नष्ट होती है, यानी ऊर्जा का सृजन यानी ऊर्जा बनती भी नहीं है और नष्ट भी नहीं होती। तो फिर क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ अभी, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, ठीक है, अगर इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है या रूपांतरित होती है, ठीक है, बस यही लिख सकते हैं, परिवर्तित होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था ऊर्जा संरक्षण का नियम। और
और इंग्लिश में अगर हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर आप इस पे, मैं टाइम बचाने के लिए मैं बोल देता हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो क्या कर सकते हैं, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसके अनुसार क्या होता है, अगर हम यहाँ पर लें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलाकर क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थिरांक। ओके, कहने का मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। कि अगर हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को अगर जोड़ दें तो उसका जो मान है ओवरऑल वो परिवर्तित नहीं होता। ओके, तो ये तो एक तरह से कांस्टेंट हो गया। इसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ से इतनी ऊंचाई से कोई ऑब्जेक्ट गिर रही है और प्लेन पे गिर रही है। ओके, ये मान लीजिए कोई प्लेन है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं कहूँ कि इसकी एनर्जी 10 जूल है। ओके, हालांकि मैंने थ्योरी में समझाया है, फिर भी मैं आपको इसमें समझाना चाहता हूँ। अगर कोई कहता है कि मान लीजिए इस पे जो है कि एनर्जी कितनी है, 10 जूल, और ये कौन सी ऊर्जा होगी, अभी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, इसका मतलब ये कि अभी रुकी हुई है, हमने पकड़ रखा है, तो यहाँ पे 10 जूल है, तो कौन सी एनर्जी है वो, और इस समय उसमें कितनी ऊर्जा है, इस वाले में स्थितिज ऊर्जा है 10 जूल क्योंकि रुकी हुई है, और गतिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो बिल्कुल ही कम है। ओके, तो आइए बात करते हैं, अब ऐड करके देखिए कितना हो गया, 10 जूल। अब मान लीजिए आ गए बीच में, बीच रास्ते में आ गए, ठीक है, और टच होने से ठीक पहले यहाँ पर 3 पोजीशन ले लेते हैं, तो बीच में अब क्या होगी, ये गति में आ चुकी होगी, तो आधी जो स्थितिज ऊर्जा है वो परिवर्तित हो गई होगी गतिज ऊर्जा में। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 5 जूल तो होगी गतिज ऊर्जा और 5 जूल होगी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 10 जूल। ओके, ठीक वैसे ही जब ये जमीन को टच करने वाली होगी तो वो अपनी मैक्सिमम स्पीड में होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा चाल में, तो उस समय जो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी वो पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसमें 0 के बराबर होगी। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर हम जोड़े तो कितना आएगा, 10 जूल। यही इसका मतलब है कि ऊर्जा जो है चेंज होगी एक रूप से दूसरे रूप में, लेकिन जो ओवरऑल उसका जो सम है, जो ओवरऑल ऊर्जा है, वो एक समान रहेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए बात कर लेते हैं थोड़े से और, इससे डिफरेंट नियम तो ये रहेगा लेकिन थोड़ा सा अलग, कि अब वो क्या है। जैसे अगर हम पढ़ते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, कौन सी ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, जिसको आप बहुत ज़्यादा नाम सुने होंगे आप लोग, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हिंदी में हम इसे लिखे तो यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है उसे समझ लेते हैं दोस्तों। जो अभी आपने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों मिला के ही बनती है क्या, मैकेनिकल एनर्जी। यानी अगर किसी वस्तु में अगर गति भी है और स्थिति भी है, आकार और स्थिति भी है, तो वैसी जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। मैं बार बार हिंदी नहीं लिखता हूँ, समय ज़्यादा लगता है, तो मैं बता देता हूँ, के हम कह रहे हैं किसको, गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी को, और पी हम किसे कह रहे हैं, स्थिति ऊर्जा को। जब दोनों एनर्जियों को जोड़ते हैं, दोनों ऊर्जाओं को, तो बनती है यांत्रिक ऊर्जा, और यही हमारी गाड़ियों में यूज हो रही है। यानी जब गाड़ी स्टेशनरी होती है, खड़ी होती है, तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब चलने लग जाती है तो उसमें होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, और दोनों को मिलाकर बनता है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपनी बात को कह दें, और एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपको पूछना हो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आइए अब समझ लेते हैं, शक्ति मीन्स पावर, कि पावर किसे कहते हैं। ओके, पावर, शक्ति, कि शक्ति या फिर पावर किसे कहते हैं। तो बहुत ही आसान सा इसकी आसान सी डेफिनेशन है, कार्य करने की दर को
शक्ति कहते हैं, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि कभी कभी रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर यूं भी कह सकते हैं कभी कभी क्षमता भी होता है, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। तो जहाँ पर ये शब्द लग जाए दर, यानी अगर हम इंग्लिश में कहें तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ओके दोस्तों, यानी पावर किसे कहते हैं, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो अब इसकी बात करते हैं कि ऐसा यूनिट क्या है। पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर ऐसा यूनिट लिखेंगे। तो वर्क डन को हम किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से, और रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि टी। ये देखिए, ये जो वर्ड होता है रेट, यानी हिंदी में दर, इसका मतलब ही होता है टाइम, यानी टी से डिवाइड करें। जब कभी भी ये दर यूज हो, कहीं भी रेट यूज हो, तो इसका मतलब है उस क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को यानी भौतिक राशि को डिवाइड करना है टाइम से, तो हमें मिलेगा क्या, पावर। तो ये है पावर का फॉर्मूला। और इसकी जो एसआई यूनिट है, ओके, एसआई यूनिट का मतलब एसआई मात्रक, तो इसका जो एसआई मात्रक है वो होता है वाट। ओके, इसको हम दिखाते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू होता है वर्क डन, और स्मॉल डब्ल्यू वाट यानी कि शक्ति। दोस्तों जो वाट है ये बहुत ही छोटी यूनिट है, छोटी इकाई है, तो इसीलिए इसको कमर्शियली नापने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। कमर्शियली हम यूज करते हैं 1000 वाट का, किसका, 1000 वाट का। और 1000 वाट को हम क्या कहते हैं, 1000 वाट को हम कहते हैं 1 किलो वाट। याद रखें दोस्तों कि जहाँ भी किलो, ये जो के है, किलोग्राम, किलोलीटर, जहाँ भी के यूज हो उसका मतलब होता है 1000। ओके, तो ये हो गया क्या, 1000 यानी कि 1000। और क्योंकि टाइम भी इसके साथ रिलेटिव है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अभी मैं इससे आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा क्या क्या बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा जो है आपको और समझा दूँ इसके बारे में। तो अगर 1000 वाट ऊर्जा 1 सेकेंड में खर्च होती है, ओके, या फिर इसे ऐसे भी लिखते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं कि 1 सेकेंड में अगर 1000 वाट ऊर्जा खर्च होती है, तो 1 मिनट में कितनी ऊर्जा, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स यानी 1 मिनट में कितनी ऊर्जा खर्च होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, 1000 × 60 सेकेंड। ओके, अब मान लीजिए तो 1 मिनट था, अगर मैं कहूँ कि एक घंटे मीन्स 60 मिनट, या फिर यूँ कहें 3600 सेकेंड, क्योंकि 60 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 3600 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, तो हम उसमें क्या करेंगे, इतने 1000 × 60 × 60, ठीक है, क्योंकि 60 ऑलरेडी है इसको, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 मिनट में इतनी यानी 60 सेकंड में इतनी, तो 3600 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में अगर मैं 60 से गुणा कर दूं 60 सेकंड में, तो ये 3600 सेकंड हो जाएगा, तो इतने सेकंड में कितनी खर्च होगी, तो मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या है, ये है जूल सेकंड, यानी इतने जूल यहाँ पर, ठीक है, इतने जूल यानी कि वाट जूल या फिर जूल सेकंड। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो एनर्जी है जूल सेकंड को ही हम सिंपल यहाँ कुछ दोस्तों गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो दोस्तों आइए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि 60 मिनट या फिर 6 × 6 इतने सेकंड बोले, क्योंकि 60 मिनट में होंगे 3600 सेकंड, तो वो क्या होगा, 1000 वाट तो है ही पहले से, तो 60 × 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, अगर 6 × 6 = 36, 2 जीरो इसके लिख दीजिए और 3 जीरो इसके लिख दीजिए, तो ये हो गया वाट सेकेंड। तो आप वाट सेकेंड बोलें या वाट सेकेंड भी इसको नापने की एक अलग यूनिट हो गई, या जूल बोलें, एक ही बात है। तो अब हम इसको क्या, इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 अंकों के बाद पीछे से पॉइंट लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए कितने जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 × 6 जूल लिख दीजिए। तो ये होती है, यहाँ पर जो है इसको हम कहते हैं, इस पूरे यूनिट को हम कहते हैं 1 किलो वाट। ओके, 1 किलो वाट आवर, ये है ऐसे, यानी 1 किलो वाट में कितने जूल होगा, तो इतने जूल एनर्जी होगी, ठीक है। किलो का मतलब 1000, वाट मतलब पावर, आवर मतलब 1 घंटे तक, यानी 1 घंटे तक
जितनी ऊर्जा खर्च हो रही है ओके उसको हम बोलेंगे 1 kWh, और ये है पावर की, ठीक है, कौन सी यूनिट, वाणिज्यिक मात्रक। वाणिज्यिक मात्रक का मतलब ये होता है कमर्शियल यूनिट, यानी कि इसी का इस्तेमाल करके हमारे घरों में बिजली का बिल आता है। वाणिज्यिक मात्रक जो इसका क्या है, वो है किलो वाट घंटा, ठीक है। वाणिज्यिक मात्रक किसे हम कहते हैं, किलो वाट घंटा को, सिंपल सी बात है। यानी हम किस में नापते हैं, हम नापते हैं किलो वाट आवर में, इसी को यूनिट भी कहा जाता है। घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आते हैं। तो 1 यूनिट इक्वल कितने जूल होता है, वो होता है 3.6 × 10^6 जूल, जैसे कि मैंने अभी कन्वर्ट करके आपको दिखाया। और ये कमर्शियल यूनिट है। अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इसको हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, यानी ये पावर की कमर्शियल यूनिट है, ठीक है दोस्तों। तो ये चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो ज़रूर पूछें, और इसको याद रखें, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में आता है 1 मार्क्स में, और हमेशा ही लगभग आता है, 90% तक चांस होते हैं इसके आने के। तो अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आप वीडियो को देखें और अपने प्रश्न पूछें। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और बहुत जल्द आपको इसके बाद साउंड का चैप्टर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।